दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फैक्ट्री के अंदर इन स्पीकर्स को कैसे बनाया जाता है, तो बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें। दोस्तों स्पीकर को बनाने की शुरुआत होती है इन फॉइल को बनाने से। इन फॉइल को कई प्रकार की लेयर की मदद से बनाया जाता है और इनको शेप देने के लिए इन मोल्ड में इनको ऐसे ही रख दिया जाता है। फिर इन कॉइल को अगली मशीन में भेजते हैं। आपको बता दें ये कॉइल फाइबर की बनी होती हैं और इनको लेजर की मदद से स्पीकर के साइज में काटा जाता है। वहीं इसी फैक्ट्री की दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चुंबक को तैयार किया जा रहा होता है। यहाँ पहले चुंबक के इंग्रेडिएंट्स को डालकर एक मेटल बनाते हैं, फिर उसके अंदर चुंबक के गुण यानी मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करते हैं। चुंबक के बन जाने के बाद मोल्डिंग मशीन के जरिए स्पीकर के ढांचे को तैयार किया जाता है। ढांचा तैयार होने के बाद एक कॉपर वायर की वॉइस कॉइल को तैयार करते हैं और इस वॉइस कॉइल को बनाने के लिए कॉपर के वायर को आराम से लपेटा जाता है। यही सिस्टम पूरे स्पीकर में ध्वनि पैदा करने का मेन यंत्र होता है और ये कॉइल बहुत ही सावधानी पूर्वक तैयार की जाती है। इसका एक कॉपर वायर टूट जाने पर आपको बता दें पूरे का पूरा हमारा स्पीकर खराब हो सकता है। अगर हमें इस स्पीकर के अंदर बेस और तेज वॉइस वाली कंपन चाहिए या अलग प्रकार के साउंड इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए यहीं पर इस स्पीकर में यंत्रों को तैयार करके लगाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें अक्सर नॉर्मल स्पीकर में इन यंत्रों को नहीं लगाया जाता। वहीं अगर आप बूफर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने बहुत ही तड़कती फड़कती बेस देखी होगी, उनके अंदर एडिशनली बेस वाले सिस्टम को लगाया जाता है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर आप ये मत सोच लेना कि स्पीकर के अंदर बेस नहीं होता। अक्सर स्पीकर के अंदर बेस जो होता है वो इसी के अंदर लगाए गए सिस्टम की मदद से पैदा होता है और उसकी क्षमता थोड़ी कम होती है। दोस्तों जब हमारे स्पीकर के सभी पार्ट्स बन जाते हैं तो उन पार्ट्स को ग्लू की मदद से स्पीकर की मेन बॉडी पर लगाने का कार्य शुरू होता है। साउंड फॉइल को यहाँ ग्लू की मदद से चिपकाते हैं, फिर उसके बाद कॉपर की वॉइस कॉइल को फाइबर की कॉइल के ऊपर चिपकाते हैं, फिर इसके अंदर धूल मिट्टी के कण ना जाएं, उससे बचाने के लिए हमें इसके ऊपर फिल्टर को भी ग्लू की मदद से चिपकाना होता है। और दोस्तों धीरे धीरे छुटपुट जैसे कार्य करने के बाद फाइनली अब हमारा ये स्पीकर बन चुका है। और जब हमारा ये स्पीकर बन जाता है तो पहले तो उसको कंप्यूटर की मदद से टेक्निकली चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर सारे ही बेस सारे ही साउंड सिस्टम काम कर रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद इसको एक साउंड प्रूफ रूम में ले जाकर उसका साउंड चेक भी किया जाता है कि वाकई में इसका साउंड अच्छा है या नहीं। और जब स्पीकर पूरी तरह से एक्यूरेट और टेस्ट में पास हो जाता है तो इनको पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं, जहां आप इनको घर पर लाते हैं और दमदार तरीके से सॉन्ग को सुनते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे तैयार होते हैं ये स्पीकर। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर से कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय।